गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार को रोका। इसी बीच बदमाश और पुलिस के बीच फायरिंग हुई। बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व गोकुलधाम सोसाइटी DLF से महिला से चेन और मोबाइल लूटने की घटना को इसने अंजाम दिया था। थाना लोनी बॉर्डर एवं ग्रामीण स्वास्थ्य टीम के द्वारा आज संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान की जा रही थी अपराध के रोकथाम हेतु। इसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने मोटरसाइकिल रोक करके काफ़ी तेज़ी से मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे ललकार करके घेरने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके उसने जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश घायल हुए।